इस डिक्लेरेशन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए। जी मिस्टर सिन्हा, इस हालत में आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अभी और भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं जो आप ही को पूरी करनी होगी। देखिए, इट इज एन असॉल्ट केस, ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन पुलिस का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी लाना होगा। डॉक्टर, एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता, ऐसे में उसके रिश्तेदार ये सब, आप सच कह रहे हैं मिस्टर सिन्हा, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार तो पेशेंट्स की चीखें सुनाई दे रही होती है और हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली शेखर की हालत पहले से बेहतर है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। हाय काम्या। हाय सुधा। अरे तुम तो हॉस्पिटल से आ रही होगी ना, शेखर कैसा? ठीक है, थैंक गॉड यार। अच्छा बताओ, चाय लोगी? नहीं काम्या, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। हाँ कहो ना। आई नो तुम मुझे बिलीव नहीं करोगी, लेकिन शेखर पे अटैक कराने वाला रणवीर रस्तोगी था, तुम्हारा बॉस। प्लीज बिलीव मी, ये बात सच है। यू नो, तुम्हें एक बात का मुझे क्रेडिट देना चाहिए, यू आर वेरी इमेजिनेटिव राइटर हो ना। एनीवे, अब तो चाय लोगी ना? काम्या मेरी बात सुनो, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने शेखर को शट अप, सुधा हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था? क्या डिसाइड किया था हमने? कि हम अपना प्रोफेशन और फ्रेंडशिप अलग अलग रखेंगे। यू आर ब्रेकिंग द रूल्स नाउ, ओके? और फालतू में मुझे बोर भी कर रही है। काम्या, हमारे पास सबूत है। Do you understand? सबूत? क्या सबूत है? कि रणवीर रस्तोगी ने शेखर पर अटैक करवाया। Can you think of any logical reason why he will do it? ठीक है, अगर फेयरनेस स्क्रीन की बात होती तो तुम पर अटैक करवाता, तुम्हारे बॉस पर अटैक करवाता, शेखर पर अटैक क्यों करवाता? उसे जानता नहीं है, कभी उसे मिला नहीं है। सुधा, माय बॉस इज एम्बिशियस, पागल नहीं है वो। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी? मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। You know what I think? You are so frustrated कि और कोई नहीं मिला तो मेरे बॉस पर इल्जाम लगा रही हो तुम। I'm not frustrated, I have proof. मुझे अभी बात नहीं करनी, हम कभी और मिलेंगे, okay? Bye, see you.
मनोज हाय 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 सुधा शेखर को होश आ गया नहीं मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस होश तो अब मेरे उड़े हैं क्या मतलब सुधा एक बात बता तू शेखर के बारे में क्या जानती है क्या जानती है मतलब मतलब हम शेखर को सिर्फ जानते थे उसे पहचानते नहीं थे मनोज हम ये टाइम पास बाद में करेंगे मैं शेखर को देखती हूं हर चीज टाइम पास नहीं होती सीरियसली मैं बोल रहा हूं बता शेखर के बारे में क्या जानती तू उसका पता जानती है उसका फोन नंबर हैं उसके घर में कौन-कौन है कितने भाई-बहन है जानती नहीं लेकिन इसके बारे में हमारी कभी बात ही नहीं हुई है एग्जैक्टली क्या मतलब मनोज शेखर यही बंबई का लड़का है बेंगलोर में उसके फादर का आलीशान बंगला है अरे पर आई थॉट ही फ्रॉम दिल्ली इसीलिए तो यहां हॉस्टल में रह रहा है मनोज कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ उसके फादर उसके पास बैठे हैं अंदर क्या शेखर ने ऐसा किया क्यों मुझे नहीं बताया चलेगा नहीं मैं उसका दोस्त हूं ना नहीं बताया ना कम से कम तुझे तो उसे बताना चाहिए था हैं छोड़ो ना होगी कोई मजबूरी उसकी क्या फर्क पड़ता है नहीं नहीं तू उसे भले ही छोड़ दे मगर मैं उसे नहीं माफ करने वाला प्लीज काम्या आई स्टिल फील तुम्हें उसके साथ रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी वो बेचारी तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी बेचारी आई लाइक इट वो हर बार मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में टांग अड़ाने की कोशिश करती है और वो बेचारी बन गई काम्या बोलने से पहले सोचना सीखो उसे क्या जरूरत है तुम्हारे काम में टांग अड़ाने की करण तुम खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा तुमने नोटिस नहीं किया आए दिन वो मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है आज भी डिड यू रियलाइज द वे शी वाज टॉकिंग टू मी काम्या एटलीस्ट यू शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट दिस तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई अपसेट होता है तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है वाओ वो अपसेट है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है हां जब से शेखर का एक्सीडेंट हुआ मुझे कितनी टेंशन हो रही है वी ऑल वांट हिम टू रिकवर फास्ट सबको टेंशन हो रही है और सुधा कैसे बिहेव करती है जैसे शेखर पर सिर्फ उसी का हक है वो अकेला सिर्फ उसी का दोस्त है उसको आदत है ये सब करने की मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं प्लीज करण तुम्हें उसके लिए टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है और आई एम रेडी ऑल ओवर अगेन यार एक काम करोगे मैं आज लॉन्च के चक्कर में बहुत बिजी हूं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी तुम चक्कर लगा लेना शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो ओके थैंक्स बाय नहीं मूर्ति आज नहीं सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो अब फायदा नुकसान तुम मुझे मत सिखाओ मूर्ति जो मैं कह रहा हूं वो करो नाउ जस्ट डू इट बहस मत करो समझे क्या हुआ क्या करते हो तुम इडियट शेखर तुम ठीक हो ना शेखर बेटा आर यू ऑलराइट आर यू शेखर तुम ठीक हो ना डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा आइए प्लीज वेट एक्सक्यूज मी ये शेखर सिन्हा को अंदर लेकर गए क्या क्यों उसका स्टेटमेंट लेना था ऑपरेशन से पहले इंस्पेक्टर वो काम बाद में नहीं हो सकता अरे भाई ये सरकारी काम है स्टेटमेंट पहले जरूरी है लेकिन इंस्पेक्टर साहब ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है देखिए मैडम आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे आपको जल्दी है हम खाली बैठे रहते हैं देखिए आई एम सॉरी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मैडम प्रोसीजर इज प्रोसीजर ना उसे आप बदल सकती हैं ना हम बदल सकते हैं प्लीज आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर किसी की जान से ज्यादा जरूरी है आपका ये प्रोसीजर देखिए हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं लेकिन हमें अपनी कार्रवाई करनी है नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट प्लीज एक मिनट देखिए इंस्पेक्टर साहब कानून हम भी समझते हैं जहां तक आपकी लीगैलिटीज और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की बात है वो सब हमारे पास है बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम जब पेशेंट को होश आ जाए तो आप उसे स्टेटमेंट ले सकते हैं प्लीज बट इसे एक प्रेस्टीज इशू मत बनाइए ठीक है
ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके। आप लोग अपना दिमाग क्यों चला रहे हैं? सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आती है? शेखर को अगर कुछ हो गया तो हम सब लाइन से मारे जाएंगे। बको मत, सुनो मेरी बात, सुनो, इस बात को यहीं रफा दफा कर दो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। एमजी रोड पुलिस स्टेशन में हमारे कौन कौन से लोग हैं पता लगाओ, इस बात को रफा दफा कर दो। और हाँ, पता लगाओ कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था, कहीं ये उसकी अकल है या कृष्णमूर्ति की। सर, कृष्णमूर्ति के बारे में क्या बातें हो रही थी? अपने सोर्सेज के जरिए मैं ये पता लगा रहा था कि अभी भी कृष्णमूर्ति अपनी बात पर अड़ा हुआ है या फिर उसका माइंड चेंज हुआ है। फिर तो आपका सबसे बड़ा और रिलायबल सोर्स मैं हूँ, उसका माइंड चेंज नहीं हुआ है। हाँ, कृष्णमूर्ति खुद तुम्हारे घर आया था ये सब बताने, राइट? नहीं, उसकी ब्लाइंड फॉलोअर मेरी बेस्ट फ्रेंड सुधा मेरे घर आई थी, और अभी भी मुझे यही कन्विंस करने में लगी हुई है कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। तुमने क्या किया? क्या करना चाहिए था मुझे? भगवान के दिए दुकानों का इस्तेमाल, एक से सुनना था और दूसरे से निकाल फेंकना था। नहीं सर, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी क्रिटिसिज्म मैं सुन सकती हूँ, पर अब बात पर्सनल लेवल पर उतर आई है, वो हमें क्रिमिनल कैटेगरी में गिनती है। इज दैट सो? हाँ, और वो लोग तो ये भी सोचते हैं कि आपने शेखर को पिटवाया। कैन यू इवन बिलीव दिस? यस, आई कैन बिलीव इट। अब तो कोई छीकेगा भी तो उसका कसूरवार हमें ठहराया जाएगा। यही तो खासियत होती है जर्नलिस्ट लोगों की, काम है कहानियां बनाकर बेचना इनका पेशा होता है, और झूठ को सच का चोगा पहनाकर बेचना इनकी रोजी रोटी। मैंने भी यही कहा उसे, पर सर अफसोस की बात तो ये है कि अब दोस्त कम और जर्नलिस्ट ज्यादा हो गई है। एनीवे, मैं आपको रिपोर्ट देने आई थी। आपके लिए कुछ लिया हूँ, चाय कॉफी? नहीं बेटे, I'm all right. कुछ तो लीजिए अंकल। मिस्टर सिंह, चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, शेखर को जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। अब आप लोग भी आराम कीजिए। थैंक यू करण, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया पुलिस को। मैं अकेला होता तो ये सब नहीं कर पाता। अंकल, इट्स नॉट लाइक दैट। वैसे जनरली मैं सिविलियन के साथ अपना आईकार्ड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन दैट इंस्पेक्टर वाज सो एडमिंट दैट आई हैड टू यूज इट। अंकल, अब आप प्लीज़ आप घर जाइए ना, मैं यहाँ रहूँगा। मैं बेटे, मेरा मन नहीं लगेगा, एक बार शेखर को होश आ जाए तुम लोग हो आओ घर। मेरा भी मन कहाँ लगेगा केरल्स घर में, मैं यही रहूंगा। बेटी सुधा, तुमने बहुत भागा दौड़ी की है, तुम जाओ घर। नहीं अंकल, मैं भी यही रहूंगी, बाद में चली जाऊंगी मैं। बेटे हम लोग हैं ना यहाँ। अंकल मैं जाऊंगी बाद में। नो, तुम जाओ। हाँ, करण डेफिनेटली कैन डू, जाओ प्लीज। ठीक है अनुज, अंकल का ख्याल रखना। अंकल, आई विल सी यू टुमारो। बाय। सुधा,
तुम्हें शेखर का अब और भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ परेशान होना काफी नहीं है उसके लिए। मतलब? सुधा, शेखर एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, बहुत इमोशनल है। ये लड़ाई झगड़ों के काम उसके नहीं है, ये तो हम जैसों के हैं। उसे इन चीजों से दूरी रहना चाहिए। I know करण, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। He was just trying to help. और देखो। I know. सुधा, शेखर एक बहुत ही सॉफ्ट लड़का है, अच्छा लड़का है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी I know what you mean, Karan. Good night, Sudha. Good night. Bye, Karan. Thank you. Good night. शेखर और कौन? हाँ वो अच्छा है। मैं पूछ रहा हूँ अब कैसे? अब ठीक है, पहले से ऑपरेशन भी ठीक रहा। चलो साहब, मुझे तो लगता है गलती हो गई, उसको आधा ही छोड़ दिया। आप बोले तो उसको पूरा खत्म कर दूँ। पर हमारी जान को भी खतरा होता है। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। वहां शेखर को होश आया, उसने तुम सबका नाम बका, तुम सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बेवकूफ, चलो उठो। लेकिन साहब उसको होश आया। चलो यहां से निकलो। चलो। लेकिन साहब, आप सोच लो अगर वो होश में आए तो सबको तकलीफ देगा। चलो तो मैं सब संभालूंगा। चलो